अपनी समस्याओं को लेकर दैनिक स्टेट समाचार से लोग कर रहे हैं संपर्क। जनता रिपोर्टर दिनेश शर्मा जी का एक बड़ा खुलासा। बेसिकली जिस बात के लिए मैं आपको आज बताने वाला हूं, वो आपके सामने जो एक डंप, जो एक रेत का इलीगल माइनिंग के द्वारा यहां पे किया गया है, ये माइनिंग आज से नहीं, तकरीबन 2 महीने से चल रही है। और ड्यूरिंग लॉकडाउन के बीच में भी कई सारे कमर्शियल टिपर्स ट्रक्स जो कि यहां से ये वाला मटेरियल उठा के पुंछ रजौरी की तरफ जा रहा था, तो इसमें जो लोग शामिल हैं वो कहीं बाहर के नहीं हैं, अपने ही एरिए के हैं। तो उनका सिर्फ इस माइनिंग मटेरियल का रैकेट नहीं है, ये काफ़ी बड़े लेवल तक उनका एक ड्रग का जो एक धंधा है, घोर धंधा है, वो भी हमारे गांव पटियाड़ी अंबारा में बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। ये जो जहाँ तक माइनिंग का सवाल है, इसके लिए मैंने पहले भी DMO जम्मू को अप्रोच किया था, तो उनकी डायरेक्शंस के ऊपर मैंने कार्रवाई की थी पूरी। बट इसके बीच में पंचायत अंबरा के कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव जो जनता के चुनिंदा लोग हैं वो भी इस गोरख धंधे में शामिल हैं, क्योंकि उनको कमीशन मिलता है। वो इस तरह की किसी भी रिपोर्ट को आगे नहीं जाने देते, या अगर हो रहा है उनसे कमीशन लेके आगे तक अपनी जो सेटिंग की हुई है उसी में अपने आप को पूरा वो वहीं पर बात को ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये तकरीबन यहाँ से 15 या 20 ट्रॉलीज जो थी ये डंपिंग हो रही थी पिछले कुछ दिन से, और मैंने एक दिन रेड हैंडेड पकड़ा, यहाँ पर एक ट्रक जो लोड हो रहा था उसके साथ जो बंदा था वो भी मेरे गांव का ही है। तो अभी जो आगे की चीज़ है वो बड़ी, बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट एक तरफ बात करती है कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी और करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, बट एक बहुत बड़ी बात आप देखिए कि हर एक लेवल में, एक छोटे लेवल में, एक पंचायत लेवल के बीच में भी इस तरह के जो रैकेट हैं वो एक्टिव हैं, और यही वो लोग हैं जो हमारे देश को खोखला करने में लगे हुए। थैंक यू वेरी मच। दैनिक स्टेट समाचार का प्रयास यही रहता है कि जनता की आवाज, जनता की समस्याएं हम आगे तक लेके जाएं, उजागर करें। आपकी भरोसे के लिए जुड़े रहिए दैनिक स्टेट समाचार के साथ। मैं राबिया खजुरिया अखनूर से।